इधर उधर से भिक्षा मांग कर किसी तरह अपना पेट भरते हैं। ऐ शालू, मेरे पास सोने की मोटी कहाँ से आएगी? झूठ मुझसे मत बोलो, मैं जो कहूँ उसे ध्यान से सुनो। सराफत से वो सोने की मूर्ति मेरे हवाले कर दे, नहीं तो और तुझे सोने की मूर्ति देना पड़ेगा। अरे चाहे जितना है दल चलाओ के आखिर हमारे पास ये सोने की मूर्तियां कहां से? बता, तू मूर्ति नहीं देगा, मूर्ति नहीं देगा तो मेरे पास तो हाँ, तुझे मारते मारते मार डालूंगा, समझे? शराफत से मूर्ति दे दे, नहीं तो तुझे मार डालूंगा आज। अरे राम राम, अरे बचाओ भैया कोई, मुझे कौन बचाएगा? अरे बाबा जी की क्या खता है? बाबा जी की, हे इधर आ, चल। इसके पास सोने की मूर्ति है, पूरे देने से इनकार कर रहा है। हे साधु, जल्दी मूर्ति निकाल। नहीं तो ठहर ठहर ठहर, एक मिनट। बाबा जी सामने आइए, क्या ये जो कह रहा है सच है कि आपके पास सोने की मूर्ति है? अरे बच्चा ये बताओ, हम सब साधु महात्मा आदमी हैं। हाँ बाबा, इधर उधर घूम टहल कर भिक्षा मांग कर अपना पेट भरते हैं, क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, हमारे पास ये सोने की मूर्तियां कहाँ से आएंगी? बस बाबा बस, आप थोड़ा साइड में हो जाएं। अरे महान भाव, पहले अपने परिचय बता कि तेरा नाम क्या है। अरे बच्चू, मेरी परिचय सुनोगे तो आपके पैर उतने जमीन खिसक जाएंगे। बोल बोल, मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहता तो सुन, इस बिहलों में पसर करने वाला मेरा नाम डाकू विक्रम सिंह है। जकैत के बच्चे, तेरा नाम डाकू विक्रम सिंह है, क्या तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। नहीं नहीं, जाऊंगा तो मूरत लेकर जाऊंगा, अन्यथा खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझसे बातें कर, एक साधु महात्मा, इनके पास सोने की मूरत कहां से आएगी? मूरत लोग इनकी सेवा करते हैं, और तू साले ऐसा इंसान है कि बाबा जी के ऊपर चाबुक बरसा रहा है। चाबुक नहीं, से गोली से मारूंगा। ये मंदिर से मूरत चुरा कर आया है। ऐसा साधु जल्दी ला।
या तेरी बंदूक में जितनी गोली चला गोली, देख तो मैं कितना तुवार करता है। इसका मतलब कि ये मूरत मुझे ले जाने नहीं देगा तू, तो आज आज मेरी गोली से तू मारा जाएगा। चला गोली, चल। विक्रम सिंह, दिल में तो आता है इस बंदूक में जितनी गोली तेरे सीने के पार कर दूं। नहीं 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 नहीं, ये बंदूक मुझे दे दे, मैं वापस चल जाऊंगा। ए पहले खतरे उतार ले। ओ भैया, हां हुकुम हुआ तो हाथ उनके गाड़ी में। ठहर ठहर ठहर, अभी ठहर, पहले इसकी सदरी नीचे कर दे। मुझे चमकीला पत्र अच्छा नहीं लगता। भैया कौन ये कौन है? इसका नाम डाकू विक्रम सिंह है। ये झाटू है। सब साले डाकू डाकू, जो मैं कहता हूँ उसे कर। पहले विक्रम सिंह तुझे शर्म नहीं आई? एक साधु महात्मा के ऊपर ऐसा जुर्म करते हुए खड़ा हो जा, मैं तुझे मेले के चक्कर में कैसे फंस गए बाबा? बच्चा खुश रहो बेटा, और जीवन भर भूलू नहीं तेरा। तुम लाते ये शैतान मुझे मार डालता। नाचन में मैंने किया और है कोई एहसास, और ईश्वर की कृपा रही और पछी आपकी। इसमें एहसान की क्या बात है? आप अपने कुटी पर चलें और मैं भी बाबा जी चलता हूं। बच्चा चले जाना, लेकिन मेरी जान को बचाने वाले ये बताओ मुसाफिर, आखिर तुम कौन हो बच्चा? अरे बाबा, कहां रहने वाले हो? तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? बाबा आप मेरी पर्ची जानकर क्या करेंगे बाबा? बच्चा चिया, आपने मेरी जान बचाई है, क्या मुझे फर्ज नहीं है? ठीक है बाबा, जब आप मेरी पर्ची जानना चाहते हैं हम जरूर बताएंगे। हाँ बेटा, अपनी पर्ची बताओ, आखिर कौन? बाबा जी
मैं रियासत चंदनपुर महाराज चंदन सिंह का इकलौता राजकुमार। मेरा नाम अशोक सिंह है बाबा, अशोक सिंह। क्या कहा बेटा? जिया, तुम इस रियासत के महाराज चंदन सिंह के सुपुत्र हैं? जिया बाबा। आपका नाम? अशोक सिंह है। अशोक है? हाँ बाबा। बेटा जिया, तुम्हें तो राजसी वस्त्र में होना चाहिए। सही। और क्या देख रहा हूँ, इस फटे पुराने कपड़ों में है बाबा जी। कहावत में कहा गया है बाबा, कहावत में कहा गया है, इंसान के ऊपर ना जाने कब कैसी बला जाए, कोई देख नहीं सकता बाबा। बेटा जी अपनी कहानी सुनाओ बेटा, आखिर बात क्या बाबा है? जी जब आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा। हाँ बेटा बताओ। जब मैं छोटा सा था तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया बाबा। ओहो, राम 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 बच्चा। मेरे पिताजी मुझे पाल पोस कर सयाना किए, पढ़ाया लिखाया। अच्छा, माता पिता को मुझे प्यार दिया। बहुत अच्छा किया तुम्हारे पिताजी। मेरे पिताजी दूसरी शादी रचा लिए। जब से मेरे घर में मेरी सौतेली माई, ऐसा त्रियाचरित का जाल बिछाया बाबा कि आज मुझे घर से बेघर होना पड़ा। यही मेरी कहानी है बाबा, यही मेरी। क्या कहा बेटा? तुम्हारे पिता श्री ने दूसरी शादी कर लिया बाबा, और उस तुम्हारी सौतेली माँ ने त्रियाचरित के जाल में फंसा कर तुम्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सुन कहानी तेरी दुख भरी दासता, आज दिल को हमारे है दुख हो गया। माया की बांसुरी दे रहा हूँ तुम्हें। माया की बांसुरी दे रहा हूँ तुम्हें। कैसी बरसात तेरे ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बांसुरी तो मेरे पिताजी मेले जाते थे। अरे अच्छी अच्छी बांसुरी लेकर मेरे वास्ते आते थे। कुमार जी। हाँ बाबा। ये ऐसी वैसी बांसुरी नहीं है, ये माया की बांसुरी है। बेटा जब तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट मुसीबत पड़ेगी, इस बांसुरी को बजाना। इसकी आवाज सुनकर जितने भी लोग रहेंगे वहां नाचने लगेंगे बेटा। क्या बाबा, ये माया की बांसुरी है, इसे जब मैं बजाने लगूंगा तो मेरे सामने जितने भी व्यक्त होंगे वो सम्मत होकर नाचने लगेंगे। सब नाचने लगेंगे बेटा। अरे वाह 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 वाह। हाँ दर्शक बंधुओं, गौर फरमाइएगा, जैसे कि संगीत बताई गई थी माया की बांसुरी। भाइयों आइए, माया की बांसुरी। और तेरा राम जी करेंगे